हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड इस मॉनसून का बहुत ही अच्छी तरीके से मज़े उठा रहे होंगे। आई एम श्योर आपके यहाँ भी मॉनसून अभी तक आ ही गया होगा। मॉनसून किसे नहीं पसंद आता है, आई एम श्योर सबको पसंद आता है मॉनसून। एंड गरम गरम भजिए चाय बहुत ज़्यादा पसंद आता है, राइट? या फिर काफ़ी लोगों को ट्रैकिंग वगैरह करना पसंद होता है मॉनसून में। बट वॉट अबाउट आर स्किन? आपकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ग्रीजी हो जाती है एंड एक्ने वगैरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। प्रॉब्लम से कैसे बचे ये मैं आज बताने वाली हूँ। आज वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपना मॉनसून स्किन केयर रूटीन फीचरिंग ब्रांड पिलग्रिम। बहुत ही ईजी सा स्किन केयर रूटीन है, 3-स्टेप रूटीन है एंड बट बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, आपको मॉनसून में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो एक एक करके बताऊँगी क्या है मेरा मॉनसून स्किन केयर रूटीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरीके की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने मिल जाए एंड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर अभी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं बता दूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स है स्किन आज के स्किन केयर रूटीन में, इस मॉनसून स्किन केयर रूटीन में एंड देन उसके बारे में फीचर्स के बारे में, ब्रांड के बारे में बात करेंगे। कोई भी स्किन केयर रूटीन शुरू होता है फेस वॉश से। सो मेरे पास यहाँ पर जो फेस वॉश मेरा स्किन केयर रूटीन में है वह पिलग्रिम का वॉल्केनिक लावा फेस वॉश। ये है उनका जेजू आइलैंड सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड रेंज में से। ये कुछ इस तरीके का इनर पैकेजिंग कुछ आपको इस तरीके की मिल जाती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फेस वॉश। इसकी डिटेल्स में ज़रूर आएंगे, मैं इसका एक जो डेमो मैंने शूट किया है वो भी मैं यहाँ पर अटैच करूँगी तो आपके पता चल जाए। स्टेप इस मानसून स्किन केयर रूटीन में है वो है पिलग्रिम का नायासिनमाइड स्किन क्लैरिफाइंग सीरम। ये भी है इनका रेंज सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड रेंज का एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीरम है। इसमें नायासिनमाइड है, तो जैसे कि नायासिनमाइड आपके एक्नेज वगैरह को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मॉनसून के लिए आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। ये है सेकेंड स्टेप इस मॉनसून स्किन केयर रूटीन का। थर्ड स्टेप फिनिश अप करेंगे एक बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र से। सो मेरे पास यहाँ पर है पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, इनर पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। इसका पूरा जो टेक्सचर वगैरह है वो सब हम बात करने वाले हैं डिटेल में। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। सब डिटेल में एक एक प्रोडक्ट के बारे में, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इनको कैसे यूज़ करना उस बारे में बता देती हूँ। तो जो वॉल्केनिक लावा फेस वॉश है ज़्यादा अमेजिंग तरीके से आपके स्किन को क्लीन करता, डीप क्लींस या पोर्स, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रिवेंट्स एक्ने। ऑब्वियसली इस मॉनसून में ना स्टिकीनेस की वजह से एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपके एक्ने को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वॉल्केनिक लावा एक्ट्स एज अ डर्ट मैग्नेट फॉर द स्किन, इट पेनिट्रेट्स डीप एंड अनक्लॉग पोर्स। आपकी जो पोर्स वगैरह है उनको अनक्लॉग कर लेगा एंड जितनी भी डॉट वगैरह है स्किन में उसको बहुत ही अच्छे से निकाल देगा। इसमें वाइट लोटस है जो कि आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, स्किन को फ्रेश बनाता है। इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती, आपको आउटर पैकेजिंग पे भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहे तो ना पॉज करके सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा प्रोडक्ट। इस ब्रांड के बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। जो मैंने स्टेप बताया था वो है सीरम, सीरम इनका है नायासिनमाइड एंड अल्फा स्किन क्लैरिफाइंग सीरम। कुछ इस तरीके की आपको पैकेजिंग में ये मिल जाता है। अगेन नायासिनमाइड बेस्ड है, नायासिनमाइड आपके स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है, एक्नेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है, इसलिए ये मॉनसून के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इस तरीके की ग्लास पैकेजिंग में आपको ये मिल जाता है। सो दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्यूचर ब्रेकआउट ब्राइटन स्किन एंड रिड्यूसेस एक्नेस का, सो एक्नेस के मार्क्स वगैरह वो भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो यहाँ पर पैकेजिंग पे पूरी अच्छी तरीके से मेंशन है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखा है, काफ़ी सारे ब्रांड्स में देखा है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं होते, बट इनकी पूरी की पूरी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। पॉज करके रीड कर सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट पर जाके इसको रीड कर सकते हो। टेक्स्चर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा एंड इसको एक दो ड्रॉप लेके आपको नो स्किन पे, पूरे स्किन पे लगा लेना है। आपको इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगा, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। आपका जो मॉनसून स्किन केयर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। थर्ड एंड फिनिश अप करेंगे स्किन केयर रूटीन को, ये है पिलग्रिम का ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइज़र विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड बार्क। ये भी इनका सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड रेंज से, बट इसका आप टेक्सचर देखोगे ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा हेवी मॉइस्चराइजर्स नहीं पसंद आते, कुछ लाइट वेट नॉन स्टिकी जेल मॉइस्चराइजर हो तो परफेक्टली काम करते हैं।
सो ये कुछ इनका टेक्सचर है कुछ इस तरीके का, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा स्किन पे ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को नॉन स्टिकी बनाता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता। स्किन को हाइड्रेशन देगा, ब्लेमिशेस को फेड करेगा, पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। पूरी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसमें आपको एक तरीके के एप्लीकेटर भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आई थिंक मैंने किसी और मॉइस्चराइज़र में नहीं देखा। इससे ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बात करते हैं ब्रांड के बारे में, पिलग्रिम। दिस ब्रांड ब्रिंग्स वर्ल्ड्स ब्यूटी फॉर यू। के प्रोडक्ट्स में सल्फेट्स नहीं होते, क्रुएल्टी फ्री होता है, पैराबेंस नहीं होते। वीटा सर्टिफाइड ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑल स्किन टाइप्स को सूट करते हैं, मैन एंड वुमेन किसी भी जेंडर के आप हो उनको सूट कर जाते हैं। सारे हेयर टाइप्स, इनके जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सारे हेयर टाइप्स को सूट कर जाते हैं। एंड सबसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये है मेड इन इंडिया ब्रांड। ये ऐसी एक मेड इन इंडिया ब्रांड है। अगर आपको इस रेंज में से कुछ भी बाय करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ना, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश यूज़ किया था, उसका प्राइस है, उसकी MRP है 350 रुपीज़। सेकेंड जो अपना सीरम है उसकी प्राइस है 650 रुपीज़। जो मॉइस्चराइज़र है उसकी प्राइस है 495 रुपीज़। स्किन केयर रूटीन को इस मानसून ज़रूर ट्राई करिए, आई एम श्योर आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई एम श्योर आपको मेरा स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।